अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और क्या हो रहा है जी, मौसम बहुत हो चुका है ज़बरदस्त। जी हाँ, बहुत ठंड हो चुकी है और मौसम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। और आज जो है बारिश हो रही है सुबह से, और मैंने सोचा चले जी ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज खाने में क्या बनाते हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं। दिन के हो चुके हैं 12 और जी आज खाने में बनाने जा रही हूँ बहुत सोच विचार के बाद कि चलो यार आज खाने में। पहले मैं सोचा था पिज़्ज़ा बनाऊँगी, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा लेट हो गई। अब बच्चे आने वाले होंगे क्योंकि उसके डो को थोड़ा सा रखना पड़ता है, उसमें जो है ना काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो फिर मैं आज बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। इंशाल्लाह जब भी पिज़्ज़ा बनाया उसकी सारी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आज तो मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई। और चलें जी करते हैं चिकन कढ़ाई की तैयारी और देखते हैं कि आज का सालन कैसा बनता है, और साथ में फिर रोटियाँ जो है वो मंगवा लेंगे तंदूर से। साथ वाले प्लॉट में हो रही है सफाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा घास हुआ हुआ था और DHA में जो है वो डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये प्लॉट खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पे बहुत ही घास शास था, तो इन्होंने जो है वो सफाई करवाई है, ट्रैक्टर लगाया हुआ था। और जी शाम में मैं आई हुई थी सैलॉन, ये है DHA में पंजाब कैशन कैरी के साथ ही छोटा सा सैलॉन है। छोटा सा एक काम था बस, यहाँ से फारिग होकर हम ना अंदर गई हुई थी और मैं बाहर बैठी हुई उसका वेट कर रही थी। तो बस यहाँ से फारिग होके फिर चलते हैं अब्जाबाद की तरफ। रास्ते में जो होगा बताती चलूँगी। और उसके बाद जैसे ही हम वहाँ से निकले, हम लोग आ गए थे ये इमनाबाद बर्फ़ी। बहुत ही मज़े की बर्फ़ी है, बहुत ही इनकी ज़बरदस्त बर्फ़ी होती है। और मतलब इनमें ना सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें शुगर बहुत कम होता है, और यहाँ की जो कलाकंद वाली है चीज़ बर्फ़ी वो बहुत ही मज़े की होती है, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी अब्जाबाद जाते हैं, कुछ भी ऐसा इवेंट होता है, इवेंट के बगैर भी खैर हमारे घर सर्दियों में जो है ना ये वाली बर्फ़ी बहुत ज़्यादा आती है। इसकी बर्फ़ी भी बहुत मज़े की होती है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसकी बर्फ़ी, ये इसकी जो है ना ये इसकी बर्फ़ी है, और इसके साथ ही जो है मैं अभी आपको उसकी कलाकंद भी दिखाती हूँ। उसकी कलाकंद भी वाइट कलर की होती है, वो ये वाली जो आगे पड़ी हुई ये कलाकंद है। ये दोनों बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, यानी बगैर शुगर की आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन बर्फ़ी होती है। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल शुगर नहीं होता, लेकिन होता है, लेकिन बहुत ही माइल्ड और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी रेसिपी, और मुझे इनकी बहुत पसंद है। तो जी हम लोगों ने जो है वो किलो कलाकंद ले ली थी, और किलो जो है वो हम लोगों ने जो है वो बर्फ़ी ले ली थी। और फिर हम लोग निकले थे अब्टाबाद के लिए। शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी रात को सफ़र करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अभी तो ईशल भी गई हुई थी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे, वो है अस्करी 14 में, अभी हमने जाते हुए उसको भी पिक करना था, तो अभी हम चलते हैं और उसको भी पिक करते हैं। तो जैसे ही हम उसको पिक करेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हम लोगों का प्लान है खाना खाने का, तो चलें जी चलते हैं, ईशल को पिक करते हैं और फिर हम खाना खाते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। आज जो है बच्चे कहते कि हमें अभी फ़ास्ट फूड जो है वो नहीं खाना है, तो बस ईशल को हम लोगों ने पिक किया था। अभी हम लोग जो है वो रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे, तो अभी जैसे ही हम अंदर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या ऑर्डर करना है। वैसे तो हम लोग ज़्यादातर रास्ते से जो है वो चावल वगैरह ले लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैंने कहा चलें कुछ और खा लेते हैं। ये मैं वीडियो बना रही थी, रिक्शे में एक बच्ची बैठी हुई थी, वो इतने मज़े से खेल रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। छोटी सी मासूम सी बच्ची थी, तो मैं उसकी वीडियो बना रही थी, बहुत ही प्यारी लगी, अच्छी लग रही थी। तो चलें जी चलते हैं अंदर और खाना खाते हैं। हम लोग आए हुए थे आज उस्मानिया पे, और देखते हैं कि आज खाने में हम क्या खाने वाले हैं। और ये है जी उस्मानिया रेस्टोरेंट, ये लाल कुर्ती के पास है, उस्मानिया की ब्रांच है। बड़ा अच्छा इनका है, ऊपर बैठने का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और इनका खाना भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी हाँ, हो चुका है एक नए दिन का आगाज़, और आज की सुबह हुई है बहुत ही खूबसूरत सुबह अब्टाबाद से। जी हाँ, मैं आई हुई थी इस वीकेंड पे अब्टाबाद, और अब्टाबाद का मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो चुका है। कल तो काफ़ी अच्छी धूप थी, लेकिन आज जो है बाहर आके लग रहा है कि हम अब्टाबाद में हैं, क्योंकि सही अब्टाबाद वाली ठंड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, हीटर्स लग चुके हैं।
और आज तो मौसम भी बहुत ही मज़े का बना हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम, और बताएं कैसे हैं आप लोग, कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड। और जी आपको दिखाती हूँ, ये देखें बाहर, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कैसा ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। और जी हो चुका है नाश्ता, और अभी है इंशाल्लाह वापसी की तैयारी, तो चलते हैं अभी वापसी की तरफ, पैकिंग करते हैं और इंशाल्लाह सफ़र हमारा अच्छा होगा, उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मज़े का मौसम था, एबटाबाद से निकलते हुए पहाड़ों पर बहुत ही प्यारे बादल थे, लेकिन ज्यों ज्यों हम पिंडी की तरफ आ रहे थे और मौसम जो है वो गर्म होता जा रहा था, क्योंकि इस तरफ तो काफ़ी अच्छा धूप निकली हुई थी। और अभी जो है हम लोग पहुंच चुके थे इस्लामा टोल प्लाज़ा पे, और यहाँ पे जो है मौसम जो है जैसा कि आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छी वाली धूप निकली हुई थी, और शाम के बज चुके थे कोई 4:30-5, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ था यहाँ का, मतलब अच्छा था, उतनी ज़्यादा धूप नहीं थी। तो बस जी चलते हैं अभी आगे, और आगे आज हम लोगों ने जाना था इस्लामाबाद। तो हम लोगों ने जो है वो अपना सफ़र जारी रखा, क्योंकि हमने जाना था, हमने सोचा कि चलें जी इधर से जाते हुए इस्लामाबाद जाना है, क्योंकि मैंने कहा कुछ सब्ज़ियाँ शब्ज़ियाँ फ्रूट्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था, तो वो मैंने कहा हम लोग इस्लामाबाद मंडी से जाते हुए ना इस दफ़ा लेके जाएंगे, तो बस इसलिए हम लोग जा रहे थे इस्लामाबाद। और फिर इंशाल्लाह हमारे अभी ऐसे क्या देख रही हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ना, तुम तो ऐसे गौर से देख रहे हो जैसे मैंने पता नहीं क्या बोल दिया तुमको, चैनल सब्सक्राइब करो भाई।